अगर आज आप इस वीडियो को देखने आ रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इंतजार की अब हद हो चुकी है और आज के इस वीडियो में आपको पूरा बने रहना है क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और वाकई में अब मेजर कलसी परिवार और सौरभ सर आपके साथ इस पूरे कंपेन में साथ लगने वाले हैं क्योंकि इंतजार की हद हो गई। हमें डेट्स पर डेट दी जाती है, हमें कहा जाता है आपको 1st week September, 2nd week September, 3rd week September, आज फाइनल 30th September की डेट भी हमारे सामने बीतने वाली है। अब कहते हैं कि बर्दाश्त की हद है ओवरऑल। और आज कहीं ना कहीं मुझे बहुत दुख होता है कि जिस मर्यादा और डिसिप्लिन के साथ हमने इंतजार किया है, और हेड्स ऑफ बच्चा आपने भी जिस मर्यादा और डिसिप्लिन के साथ इंतजार किया है, मैं कहीं ना कहीं दिल से आपको सल्यूट करना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब इस चीज का अंत हो चुका है, अब जरूरत है एक बार उठ खड़ा होने का और हम सबको मिलकर के हर प्लेटफॉर्म पे लगने का और एक बेहतर प्रयास करने का। मैं कहना चाहता हूं देश के जितने भी यूट्यूब के चैनल हैं, जो भी हमारे बच्चे हैं, मैं जानता हूं बहुत सारे एस्पिरेंट भी हैं एयरफोर्स के जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, बेटा अब ये थंबनेल बनाने से काम नहीं चलेगा कि रिजल्ट आज आ गया, रिजल्ट कल आ गया। इससे आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और उन लाखों बच्चों के भी दिल को तोड़ते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं। चलो यार अब कुछ हट के अलग बनाते हैं, अब कोशिश करते हैं डेली एक ऐसा वीडियो बनाने का, कुछ ऐसा करने का जो एयरफोर्स तक बात को पहुंचाए। क्यों हम फ्रॉड फैलाएं, क्यों हम झूठ फैलाएं, हम सच फैलाएंगे। और सच यह है कि बच्चों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, सच ये है बच्चों का एनरोलमेंट पब्लिश नहीं हो रहा है, सच ये है कि बच्चे फॉर्म के इंतजार में बैठे हुए हैं, सच ये है कि एज निकल रही है, सच ये है कि पूरा देश का एयरफोर्स का एस्पिरेंट आज दुख में बैठा हुआ है और हर प्लेटफॉर्म हर जगह इस जाके बात को कर रहा है। आई थिंक ये सच है कि हम सब ने अभी तक बहुत योगदान दिया, हमने टीचिंग से योगदान दिया, लॉट ऑफ चैनल उन्होंने टीचिंग के लिए बहुत प्रयास किया, बच्चों को आए और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर उन्होंने पढ़ाया, मदद किया। बट सर अब कहीं ना कहीं पढ़ाने का भी बहुत सारा फायदा क्या है, अहम यह है कि बच्चों का पूरा भविष्य लटका हुआ दिखाई दे रहा है, एक भी क्लैरिटी एक भी सच्चाई हमारे सामने नहीं है। क्या हम सब मिलकर एक बार काम नहीं कर सकते हैं सर? क्यों ना हमने चैनल पे डेली सर एक पोस्ट आए, आई थिंक हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, हमारे पास प्लेटफॉर्म है सर इंस्टाग्राम का, हमारे पास प्लेटफॉर्म है सर फेसबुक का, हमारे पास प्लेटफॉर्म है सर यूट्यूब का, हमारे पास प्लेटफॉर्म है सर ट्विटर का, हमारे पास प्लेटफॉर्म है सर व्हाट्सएप का। हर प्लेटफॉर्म से हम ज्यादा से ज्यादा पोस्ट बना करके, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना करके, ज्यादा से ज्यादा सच्चाई को देश में वायरल करने की कोशिश करें। आई थिंक मिलकर हम ये भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें साथ देंगे लाखों लाख एस्पिरेंट जो एयरफोर्स का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और एनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, साथ दीजिए। मुझे लगता है जितने भी हमारे यूट्यूबर्स भाई हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं बच्चे, छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, सब बच्चा हम सबको लगना होगा क्योंकि इस न्यूज से क्या फर्क पड़ता है। आप इस तरह की न्यूज को पब्लिश करते हैं, बच्चे डिसलाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और आपसे वो विनम्र निवेदन भी करते हैं कि प्लीज इस तरह से हमारी भावनाओं को आहत मत करिए। अब तो हमें एहसास हो जाना चाहिए, हमें महसूस कर लेने, अब तक मैं शांत रहा क्योंकि हमें डेट पे डेट दी गई, हमें यह बताया गया कि रिजल्ट इस डेट को आएगा, इस डेट को आएगा, इस डेट को आएगा। बट अब मुझे कहीं ना कहीं इंतजार नहीं करना है, अब हम सबको मिलकर प्रयास करना। और मैं चाहता हूं कि हम सब अगर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म से इस विषय पर ट्रेंड करा दें तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश में यह बात पहुंच पाएगी। आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा अवेयरनेस का जो प्लेटफॉर्म है, अगर हम सोशल मीडिया से ऊपर उठते हैं तो हमारे देश के न्यूज चैनल हैं। आपको अच्छे ढंग से पता होगा कि अन्य एग्जाम्स में भी जब इन चीजों को ट्रेंड किया गया, सिविल में भी कोई चेंजेस आए जब उन चीजों को ट्रेंड किया गया, तो न्यूज चैनल्स में उनको लेकर इंटरव्यूज हुए जहां पे पूरे देश के सामने, क्योंकि न्यूज चैनल इस देश का हर आदमी देखता है और उसको एहसास होता है। आई थिंक देश की बहुत सारी आबादी है जिसको पता ही नहीं कि आज एयरफोर्स एस्पिरेंट किस स्थिति से गुजर रहा है, वो अपने रिलेटिव को नहीं कन्विंस कर पा रहा है, अपने परिवार के बगल बैठे लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहा है। आई थिंक न्यूज चैनल ही सर एक माध्यम है, हमें पहुंचना है, हम बिल्कुल पहुंचेंगे, हम NDTV तक जाके चीजों को टैग करेंगे, उस रियल चैनल के पास भागेंगे, हर उस चैनल के पास भागेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि सर प्लीज हमारे दर्द को सुना जाए, बच्चों की भावनाओं को सुना जाए। सर दो दो साल का इंतजार एनरोलमेंट लिस्ट के लिए, सर रिजल्ट का इंतजार जो कि 15 दिन में 18 दिन में आप रिजल्ट पब्लिश करते हैं, उसके इंतजार में बच्चा आज तक बैठा हुआ, ये कहां तक की सच्चाई है, किस तरह की सच्चाई है? आई थिंक जब न्यूज चैनल्स में हम पहुंचेंगे ना बच्चा, तो मुझे लगता है सीधा ये बात एयरफोर्स तक पहुंचेगी और CSB तक पहुंचेगी और उन्हें एहसास होगा और हमें एहसास कराना होगा गवर्नमेंट को भी और एहसास कराना होगा हमें इंडियन एयरफोर्स और CSB को भी कि आखिर किस हालात और किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमें केवल अपडेट चाहिए थी, इसके अलावा हमने कुछ नहीं मांगा था और हमने पूरी मर्यादा का ख्याल रखा, बट कहीं ना कहीं आपने वो मर्यादा तोड़ी है सर। ये बहुत आसान होता है कह देना कि हाँ ड्यू टू सर्कमस्टांशियल सिचुएशन, आप जाकर के वेबसाइट को देखते रहें, कितनी बार देखें, सुबह देखें, शाम देखें, दोपहर देखें। सर इसके बजाय यह भी तो कहा जा सकता है कि हाँ एग्जैक्टली ये डेट है, जिस डेट पे ये होगा, अगर वो डेट भी नहीं है तो आप प्लीज हमें सच्चाई कन्वे कर दें तो आई थिंक हम रिलैक्स हो सके। एक अलग तरह का मेंटल टॉर्चर एंड प्रेशर क्रिएट हुआ है। आज मैं इस पूरी सच्चाई को बेटा दिल से रखना चाहता हूं और लगातार बहुत सारी चीजें चली आ रही, बट यार इसमें इस समय हम सबको एक दूसरे का साथ देना बहुत जरूरी है। मैं सारे के सारे चैनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर सर बड़े लेवल पे कंपेन नहीं होगा, बड़े लेवल पे चीजें अगर हैशटैग हमारे पब्लिश नहीं होंगे या बड़े लेवल पे हम लोग इस चीज
को नहीं पब्लिश कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और मैं कहना चाहता हूं जब तक रिजल्ट ना आए सर, अगर हम 10 दिन ईमानदारी से जब तक रिजल्ट ना आए केवल इसी के लिए प्रयास करें। हम जितने भी इंस्टाग्राम पोस्ट बनाए, फेसबुक पे पोस्ट बनाए सर, हम व्हाट्सएप पे शेयर करें चीजों को, यूट्यूब पे हम वीडियो अलग अलग तरह की बनाए, ट्विटर पे लगातार ट्रेंड कराएं उन हैशटैग को जो जरूरी है ट्रेंड कराना। हालात क्या है सर, जिस एयरफोर्स का रिजल्ट एग्जाम होने के 18 दिन तक आ जाता था, आज उस एयरफोर्स का एग्जाम हुए 2 महीने से ज्यादा हो रहे हैं, 3rd महीना स्टार्ट हो चुका है, रिजल्ट का कुछ पता नहीं है। सिर्फ इतना नहीं, इनटेक 1/2021 जिसकी हम बात करें, कैंडिडेट को जाना था उनका एनरोलमेंट तक पब्लिश नहीं किया अभी तक। इसकी वजह क्या है, है कोई अपडेट, है कोई इंफॉर्मेशन, कोई है बताने वाला, कोई है पूछने वाला? आज देश का लाखों लाख बच्चा मेरे से हर प्लेटफॉर्म पे आके पूछता है, उसकी आंखों में आंसू दिखते हैं, मेरे को दर्द एहसास होता है, मैं किससे कहूं, क्या बात करूं? और हर लेवल पे करके देख लिया सर, कोई अपडेट देने को तैयार नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन दे रही, बिल्कुल सर ऑटोक्रेसी चल रही है, तानाशाही का रूप लेके बैठे हुए। आखिर इनिशिएटिव कौन लेगा सर? हम सब मिलकर इनिशिएटिव लेंगे। और वीडियो ये देखना जरूरी, क्योंकि मैं बहुत सारी बातें अंदर रखने वाला हूं जो आधार बना के हम लोग काम करेंगे। अगर हम न्यूज चैनल तक नहीं पहुंच पाए, मैं आपको कहना चाहता हूं और कोई माध्यम नहीं है इस देश में गवर्नमेंट को या एयरफोर्स को रियलाइज करा पाने का क्या किस दर से गुजर रहे। अगर 4 चैनल पे इंटरव्यू हुए और वो इंटरव्यू हम वायरल करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है कि हर वो चीज होगी जो हम चाहते हैं, जिस तरह से होना चाहिए। पिछले साल आपने देखा कि एग्जाम डिले हो रहा था, बट आई थिंक ऑफिशियल एक अपडेट तो आ रही थी, एक क्लैरिटी तो मिल रही थी कि हां इस दिन होगा उस दिन होगा, बट आज क्या है, आज क्या हालात पैदा किए गए? आज कोई अपडेट देने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तारीख मिल जाया करती थी, अब तो कोई तारीख भी नहीं देता और फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस इमोशनल अवसाद से गुजर रहा है इस समय। सबसे पहले जब आपने Star 1 2021 के एग्जाम डेट घोषित किए, उन डेट्स पर एग्जाम नहीं कराया, कोई बात नहीं, आपने 12 से 18 जुलाई तक एग्जाम कराया, आप अपडेट किए, कोई इशू नहीं, चलो हमने एग्जाम दिया। उसके बाद अंबाला सेंटर पे पेपर लीक होने की वजह से कई बच्चों को बेवजह समस्या, क्या गलती है बच्चों की, वो क्या कह रहे थे ऐसा होने के लिए? सर गलती आपके सिस्टम की होती है और भुगत रहा होता है बच्चा बैठ करके। फिर हमें बताया गया कि कुछ बच्चों का मेडिकल केस चल रहा है और उस केस की वजह से एनरोलमेंट पब्लिश करने में हमें दिक्कत हो रही। चलो सर वो मेडिकल केस भी क्लियर हो गया, 17 के 17 को आपने जो है बाहर का रास्ता रेड कार्ड करके दिखा दिया, अब तो सर एनरोलमेंट का इंतजार कर रहे हैं बच्चे, अब तो पब्लिश कर दीजिए। फिर एक अफवाह उड़ाई गई, सर एनरोलमेंट लिस्ट आने में देर इसलिए क्योंकि एयरफोर्स में टूर ऑफ ड्यूटी जैसे चीजों के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बड़ी लगातार बात चल। आपने खामखा ट्वीट जो है MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अपडेट करवा दिया जो है राजनाथ सिंह जी के साथ। मैं कहना चाहता हूं सर हर प्लेटफॉर्म, हमें इस प्रश्न को राजनाथ सिंह जी तक पहुंचाना है, वो समझे तो आई थिंक बहुत सारे निर्णय, क्या ये बातें उनके तक नहीं जा रही है? तो मैं लगातार इस कंपेन को बनाऊंगा और जितने भी न्यूज चैनल है उनको कैसे टैग करना है, क्या हमें करना है, जिस तरीके से हमें मौका मिले, कोई भी जाए देश से, आप सब जाए, जिसको भी मौका मिलता है प्लीज सर किसी भी न्यूज चैनल तक पहुंचने का रास्ता बनाइए और वहां जाकर के इंटरव्यू में बच्चों के दर्द और उनकी परेशानी को बयां किया जाए, तब जाके सर एक बेहतर रास्ता हम क्रिएट कर पाएं। जंगल में आग की तरह टूर ऑफ ड्यूटी फैलाया गया, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग चीजें। चलो ऑफिशियल से बात होगी, एक चीज तो क्लियर हुई और मैंने आके स्पष्ट भी किया कि इस चीज की कोई भी इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। फिर अगला अपडेट आ जाता हमारे समय पढ़ने के लिए मोटा मोटा कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रिजल्ट आर डिलेड। अरे ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन सर, हमको नहीं पता कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, हमें सर क्लियर करिए कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जिस वजह से आप रिजल्ट डिले कर रहे हैं। 31 अगस्त का इंतजार था, पहला वीक सितंबर, दूसरा वीक सितंबर, तीसरा वीक सितंबर, आज 30 सितंबर को मैं आया हूं सर और वाकई में आज दिल टूट गया है। बिल्कुल ये अब लगने लगा है कि इस देश में कोई सुनने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। अगर आप ऊपर अथॉरिटी तक नहीं जाएंगे, आपका जो है न्यूज चैनल्स में नहीं पब्लिश होंगे न्यूज, नहीं बात होगी, तो आप जैसे डिपार्टमेंट को कोई पूछेगा ना, कोई अपडेट करेगा। और ये विनम्र निवेदन है, अगर सर हम सब लग जाए, जितने भी चैनल्स हैं बार बार मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, अगर सर एक कम्युनिटी पोस्ट डेली हम डालना शुरू करें, जो हैशटैग आज जो मैं प्लान करने वाला हूं आपके सामने, तो सब बदल जाएगा। और करते करते आज सितंबर में लोग इंतजार अब और नहीं होगा। अब इससे पहले एक वीडियो कंपेन की मैंने बात की, मैंने कहा सर वीडियोस बनाए जाएं, डाले जाएं, किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में, उसको भी करके देख लिया, कोई फर्क नहीं। लेकिन चलो तब भी एक प्रयास हुआ जिस माध्यम से हम चीजों को पहुंचाने का और करने का प्रयास कर रहे थे। लगता है कि एयरफोर्स और CSB ने अपने कहीं ना कहीं आंख और कान दोनों में पट्टी बांध ली है, इनको अब सुनाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, इमोशन ये महसूस कर पा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। पर हम रुकने वाले नहीं है, हम देश के सारे एयरफोर्स एस्पिरेंट से कहना चाहते हैं बेटा ये हारने का विषय नहीं है, खड़े होइए, हम आपके साथ हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। हमें पता है कि बहुत मुश्किल दौर है ये, बहुत मुश्किल वक्त है, बट हमें टूटना नहीं बेटा, हमें हार नहीं मानना है, हम मिलकर प्रयास करेंगे। और मैं बच्चों आपसे भी कहना चाहता हूं, आप प्लीज सबसे विनम्र निवेदन करिए, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ रहे हैं, जो भी सर आपको गाइड कर रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट एवरी टीचर, एवरी वन इज डूइंग फॉर यू बेटा पॉजिटिव, कोई व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव नहीं कर रहा, मैं कहना चाहता हूं।
और जो कर रहे हैं व्यू के लिए उनको स्ट्रेट अवे करना, बंद करिए इस चीज़ को। इससे कोई फायदा नहीं है कि आप एक नया थंबनेल लगा के कुछ व्यू कमा लेंगे, इससे इमोशन हर्ट हो रहा है और आपकी डिग्निटी स्वयं गिर रही है अगर आप महसूस करें तो। तो भागना नहीं, हम जो अभी तक ये बार बार आके अपडेट करके व्यू करना चाहते थे सर, अगर आप ये भी काम करेंगे ना तब भी आपको व्यू मिलेंगे, आप ये भी काम करेंगे ना तब भी आपको अच्छे खासे बच्चे कमेंट देंगे, शेयर देंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब देंगे, तो मुझे लगता है कि आई थिंक फ्रॉड बातें करके हम आगे ना बढ़ें। आई थिंक सच्चाई यही है कि बच्चों का इनरोलमेंट लिस्ट का कुछ पता नहीं है और रिजल्ट का कोई ठिकाना नहीं है। तो आई थिंक अगर इसके लिए हम लोग पोस्ट बनाएं, वीडियो बनाएं और न्यूज चैनल्स को टैग करना शुरू करें तो बहुत सारी चीजें बदली जा सकती हैं। और मैं एवरीडे वेलकम फॉर द न्यू स्ट्रेटजी एंड न्यू स्टेप, और मैं डेली आऊंगा, गाइड करूंगा कैसे हमें टॉप पोजिशन तक पहुंचना है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे हैशटैग कैंपेन की बात करें, बिल्कुल बेटा आ जाता हूं मेन पॉइंट पे, क्या हैशटैग कैंपेन को लेकर हमें क्या प्लान करना है। हमारा पूरा का पूरा भी योगदान रहेगा और हमारा नहीं, अब सबसे निवेदन है कि सबका अब इसमें लग जाना एक तरीके से। आई थिंक कई बार इनिशिएट किए गए और लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, जब लास्ट टाइम भी किया गया तो इट वाज वेरी गुड एक्चुअली। बट मुझे लगता है कि हैशटैग करने के साथ साथ हमें जो कंपेन चलाना है ट्विटर पे उसके साथ साथ हमें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेना पड़ेगा सपोर्ट में, तभी जाके चीजें बेहतर होंगी। तो ऑब्वियसली बीइंग अ मेजर कल्सी क्लासेस पूरे कंपेन में हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके कंपेन क्लियर हैं MKCR से सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, चाहे हमारा सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म हो, हमारा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, हमारा फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो, हमारा व्हाट्सएप का प्लेटफॉर्म हो, हमारे ट्विटर का प्लेटफॉर्म हो, और जितने भी संपर्क न्यूज चैनल जहां जहां हम जा सकते हैं, जितने भी रेडियो चैनल्स हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, बिल्कुल हम कोशिश करेंगे और हम सब लग करके अगर अपने अपने जगह से कोशिश करें तो हम टॉप तक पहुंच सकते हैं और बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं। तो फिर आज का बिल्कुल आपको नोट कर लेना है, बिल्कुल #CSBResults2 ये तेजी के साथ चल रहा है, आप भी जान रहे, ट्रेंड कर रहा है, हमको ज्यादा से ज्यादा इसको रिट्वीट करना है, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट में इन चीजों को शेयर करना है। #Enrollment लिस्ट पब्लिश करो, बिल्कुल ये भी हैशटैग चल रहा है, इसको भी हमको बढ़ चढ़ के सपोर्ट करना है। और मैं अब हम फाइनली अपना नाम भी स्वयं लेके आ रहे हैं #SourceOfDemandAirForceResult, और मैं इस चीज को भी करने की कोशिश करूंगा और मैं स्वयं के नाम को भी लेके आ रहा हूं। केवल एक वजह है इसके पीछे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस कंपेन में हम बड़े लेवल पे लगे और हम वहां तक पहुंच जाएं जहां तक हम जाना चाहते हैं, और पहुंच करके वाकई में आपकी बातें सब कुछ मैं रख सकूं उस प्लेटफॉर्म से, जिससे कहीं ना कहीं जिनके कान बंद हो चुके हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, उन तक मैं अपनी बातें पहुंचा सकूं। और इसको ट्रेंड करना, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे आपका फेसबुक है, हमारा हैशटैग कैंपेन तब तक चलता रहेगा जब तक फाइनली हमारे सामने रिजल्ट नहीं आएगा। और मुझे पता है कि अगर हम तन मन धन से लग गए बेटा तो चीजें बहुत कुछ बदल सकती है। और बार बार पूरे सीरीज में केवल एक ही निवेदन मैं कर रहा हूं कि मेरे अकेले प्रयास से कुछ नहीं होगा, इसमें आप सबको ही बहुत साथ देना है। आप जिस तरह योगदान कर सकते हैं, जिस तरह साथ दे सकते हैं आप दीजिए। बच्चों आपसे जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट है केवल एक निवेदन है कि आप प्लीज जो भी हमारे एयरफोर्स जो है से रिलेटेड पोस्ट जा रही है, इस तरह की फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कम्युनिटी पोस्ट जा रही है, यूट्यूब पे वीडियोस जा रही हैं, ट्विटर पे जो ट्वीट आपके हो रहे हैं, रीट्वीट करो यार, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा रीपोस्ट करो, जितना कुछ आप फैला सकते हो जितना उतना फैलाओ यार, क्योंकि यही कंटेंट होगा, इसी को आधार बना के मैं आगे न्यूज चैनल से बात कर पाऊंगा और उनसे कॉन्टैक्ट कर पाऊंगा और उनसे अपनी बात रख पाऊंगा और उनको एहसास करा पाऊंगा कि आखिर ये देश का कितना बड़ा मैटर और कितना बड़ा मुद्दा है, और इस बात को वाकई में आपको गहराई से समझने की जरूरत है। तो वाकई में जब तक अब CSB हमें रिजल्ट नहीं दे देता, जब तक CSB इनरोलमेंट को पब्लिश नहीं कर देता, तब तक हम आग्रह करते हैं कि हम सब मिलकर काम करेंगे बेटा, हम डेली कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लेंगे, इनिशिएटिव लेंगे जिससे पूरे देश में यह पता चले कि वाकई में किस परिस्थिति से हमारा सारा का सारा एयरफोर्स एस्पिरेंट बच्चा गुजर रहा है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी, अगर हम इस टैग पे तेजी के साथ बढ़े तो बहुत कुछ बदल जाएगा, और ये हैशटैग लगातार आपको यूज करना है जिससे डायरेक्टली ये बात हम CSB तक पहुंचा पाए हर प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो और हम जब करेंगे तो हम वाकई में पहुंचाएंगे भी। और मैं कहना चाहता हूं कि हम सब पूरी तरह से आपके साथ हैं, पूरा MKC परिवार और पूरे सौरभ सर तन मन धन से इस देश के हर एयरफोर्स एस्पिरेंट के साथ खड़े हैं। बट हम सब रुकने वाले नहीं है बेटा, जब तक अब रिजल्ट नहीं आएगा और जब तक बेटा इनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश नहीं होगा, तब तक ये हैशटैग चलेगा, MKC का पोस्ट चलेगा और MKC हर प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, कहीं नहीं रुकेंगे। केवल यूट्यूब सहारा नहीं होगा, इस बार फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सअप, हर प्लेटफॉर्म पे, और सबका उद्देश्य केवल ये होगा कि हमें न्यूज चैनल्स पे बड़े पहुंचना है बेटा, और वहां पहुंच करके किसी भी कीमत पे आपके दर्द और आपकी भावनाओं को रिप्रेजेंट करना है जिससे उनके कान तक हम आवाज पहुंचा सकें, हम इंडियन गवर्नमेंट के कान तक आवाज पहुंचा सकें,
सकें, डिफेंस मिनिस्ट्री के कान तक आवाज पहुंचा सकें और कहीं ना कहीं सीएसबी और इंडियन एयरफोर्स के कान तक आवाज पहुंचा सकें और यह एहसास करा सकें कि हमें रिजल्ट अपडेट दीजिए, हमें रिजल्ट दीजिए, हमें एनरोलमेंट दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं बेटा, यह शपथ की तरह है, यह संगनाथ की तरह है और इसको प्लीज आप सब भी जम के सपोर्ट करिए। इस वीडियो को जरूर मैं शेयर करने के लिए कहूंगा, हमेशा कहता नहीं हूं बट आज मैं जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करिए। हर भाई, हर एयरफोर्स का जो बंदा हमारा है, जो हमारा एयरमैन है देश का, फ्यूचर का, उस तक ये बात पहुंचनी चाहिए, हर पेरेंट्स तक ये बात पहुंचनी चाहिए, हर रिलेटिव तक ये बात पहुंचना चाहिए। दीजिए जिससे मैं चैनल्स के सामने वो रिप्रेजेंट कर पाऊं कि देखिए देश का हालात क्या है, रिजल्ट को लेके स्टेटस क्या है। देश के हजारों चैनल केवल इस बात पे वीडियोस बना रहे हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहा है, शायद यह एहसास वहां तक हो पाए और वाकई में हम आपकी बात वहां पहुंचा सके जहां से ये बात देश में और इंडियन एयरफोर्स को पहुंच सके और फाइनली आपका रिजल्ट आए। तो बिल्कुल विनम्र निवेदन है, कोई भी बात ऐसी कही होगी तो सॉरी फॉर दैट, किसी के इमोशन को हर्ट करने का यहाँ बिल्कुल उद्देश्य नहीं बेटा। आप सब भी पॉजिटिवली अपनी मर्यादा में रहते हुए हर व्यक्ति से रिक्वेस्ट करिए, निवेदन करिए कि इस पूरे के पूरे मुहिम और कंपेन में साथ दें। बिल्कुल तो बिल्कुल आपका हैशटैग CSB रिजल्ट दो, ये बिल्कुल ट्विटर पे रहेगा, फेसबुक पे अब दिखेगा, इंस्टाग्राम पे भी दिखेगा, यूट्यूब पे भी दिखेगा। हैशटैग इनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश करो और हैशटैग सौरसर डिमांड एयरफोर्स रिजल्ट, बिल्कुल ये तीनों के तीनों हैशटैग पब्लिश करने हैं, इसको हाईलाइट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, देश में बिल्कुल छा जाना और फाइनली वहां पहुंचना है जिससे उनके कान तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकें और फाइनली अपना हक और अपनी चीज़ों को जीत सकें। और बेटा तुम लॉयन हो, तुमको हारना नहीं है, आपने यहां तक की जंग तय की है बेटा, आगे के भी आप तय करेंगे और इस जंग को जीतेंगे, ये मेरा और विश्वास पूरा आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।